गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल्सो फाइन. थॉट ऑफ द डे, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस. मीन्स वर्क हार्ड इन साइलेंस, हम लोगों को मेहनत कैसे करनी चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से करनी चाहिए. मतलब मेहनत डेली पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और उसके बाद सफलता तो अपने आप शोर करेगा. जैसे कि जो बच्चे डेली पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और रिजल्ट उनका आता है, तो सब पेरेंट्स आपके, आपके टीचर सब कितने खुश हो जाते हैं. इसलिए डेली जो है पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ताकि सफलता अपने आप आपकी सबको पता चले. सब ओके, थैंक. आई हैव टीच यू दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो आई रिपीट इट. चैप्टर 3, प्लांट्स. प्लांट्स मीन्स पौधे. प्लांट्स एवरीवेयर मीन्स प्लांट्स जो हर जगह होते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार. एंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के भाग. प्लांट्स एवरीवेयर. प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर मीन्स प्लांट्स हर जगह जो है ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं. अब चाहे वो लैंड हो, लैंड मीन्स जमीन, इन वाटर पानी में. ओके, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. There are 5 types of plants. Look at this picture, everyone. First, herb, shrub, climber, creeper. First क्या है? Tree. Tree means पेड़. Herb means जड़ी बूटी. Shrub झाड़ीदार. Climber ऊपर चढ़ने वाले पौधे. एंड क्रीपर रेंगने वाले पौधे. फर्स्ट है ट्री. आपके बुक में टू टाइप्स के प्लांट बताए गए. फर्स्ट बिग प्लांट एंड स्मॉल प्लांट. बिग प्लांट मीन्स ट्री. बिग प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्री. जिसके पास मजबूत शाखाएं होती हैं, ट्रंक भी होते हैं इसमें, स्टम्प को बोलते हैं, तना होता है मोटे, उसको क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं. दे लीव्स मैनी ईयर फॉर ट्रीज. लीव्स फॉर मैनी ईयर्स मीन्स ट्रीज जो है बहुत सालों तक जीवित रहते हैं. जैसे एप्पल ट्री, बनियान ट्री, पाइन ट्री, कोकोनट ट्री. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. सेकेंड स्मॉल प्लांट्स. फर्स्ट है आप में शर्प. लुक एट दिस पिक्चर एवरीवन. शर्प मीन्स झाड़ीदार पौधे. शर्प मीन्स झाड़ीदार पौधे. इस प्लांट्स में क्या होते हैं कि सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रांग एंड बुशी. इसके पौधे कैसे होते हैं? झाड़ी हुआ होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दे आर कॉल्ड शर्प. जैसे हिबिस्कस मीन्स गुड़हल, मेहंदी, जैस्मिन. दीज एग्जाम्पल्स आर शर्ब्स. सेकेंड हर्ब. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव सॉफ्ट स्टम. हर्ब्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट, उसकी स्टम कैसी होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और ये बहुत कम टाइम तक जीवित रहते हैं. बस 1 मंथ, 2 मंथ के लिए ही होते हैं. जैसे ग्रास, लीव, मिंट. पिक्चर में देखिए आपको ये जो है कितनी, इसकी स्टम जो है कितनी सॉफ्ट होती है, तुरंत टूट जाती है. तो दीज आर हर्ब्स. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टम्स. दे नीड सम सपोर्ट लाइक वॉल्स. मतलब किसी चीज़ को जो क्लाइमर्स होते हैं, क्लाइमर्स मीन्स ऊपर चढ़ने वाला पौधा, ये इसको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे वॉल की, स्टिक की मीन्स दीवार, या किसी छड़ी की, सहारे की ज़रूरत होती है, तभी ये ऊपर चढ़ के ग्रो करते हैं. मनी प्लांट आपके आसपास देखा होगा, मनी प्लांट का, ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर का पेड़ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. और क्रीपर. क्रीपर सम प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. जो ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं. एज अ एग्जाम्पल, पम्पकिन मीन्स कद्दू, वाटरमेलन, मस्क मेलन मीन्स तरबूज, खरबूजा, ये सब. व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन क्लाइमर एंड क्रीपर?
दोनों में डिफरेंस क्या है? तो क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ने वाले पौधों को बोलते हैं, जिसको किसी दीवार या स्टिक की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, और क्रीपर जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। ओके, पार्ट्स ऑफ प्लांट, देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स पौधों के भाग, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, स्टम, रूट्स, ये आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट है। ठीक है, लीव्स मेक्स फूड फॉर द प्लांट। सबसे मेन वर्क जो होता है लीफ का होता है, क्योंकि प्लांट के लिए जो फूड प्रिपेयर कौन करता है? लीफ करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट्स फूड, प्लांट के लिए जो है लीफ। सम प्लांट्स हैव बिग एंड ब्रॉड लीव्स, सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स, मतलब कुछ जो प्लांट के पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स, कई बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होता है। सम आर डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स, की साइज, उसका आकार, उसका रंग रूप सब अलग अलग होता है। सम प्लांट्स लाइक द रोज एंड कैक्टस हैव थ्रोन्स, मीन्स कुछ प्लांट्स में कांटे भी होते हैं, थ्रोन्स मीन्स कांटे। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं या ऐसे होते हैं जिसमें बीज होता है ना, सीड्स जिसको हम बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, द बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट ओनली इफ इट गेट्स सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड सोल। मीन्स अब आपको यहाँ पे प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है वो चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया है। फर्स्ट, सन, एयर, वाटर एंड सॉयल। सॉयल मीन्स मिट्टी, मिट्टी में आप जब बीज जो है डालोगे उसके बाद उसमें वाटर और एयर सनलाइट जब उसको मिलेगी तो उससे जो है क्या बीज जो है निकलेंगे ना, एक बीज से ही न्यू प्लांट का जो है फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट बनता है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट। एक्सरसाइज आपका वर्ड मीनिंग और दो क्वेश्चन आपको मिले हुए थे करने के लिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है कॉपी में। लुक एट दिस एवरीवन, ए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, मीन्स यहाँ पे आपको फिल करना है, टू वर्ड्स राइट है इसमें से जो करेक्ट होगा वो यहाँ पे फिल करना है। नंबर वन, प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड इन डैश, प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, प्लांट्स जो है लैंड में जमीन पर ग्रो करता है, और एयर या वाटर इनमें से दोनों में से कहाँ पे ग्रो करता है? वाटर में, पानी में। मोस्ट ट्रीज आर डैश इन कलर, येलो, ग्रीन, ज़्यादातर पौधे जो पेड़ होते हैं कैसे होते हैं? ग्रीन। विस्कस इज अ शर्ब, शर्ब मीन्स झाड़ीदार, ही विस्कस का प्लांट कैसा होता है? झाड़ीदार होता है, शर्ब। नंबर फोर, ए फ्लावर इज अ प्लांट पार्ट, मीन्स फ्लावर जो है एनिमल का पार्ट होता है या प्लांट का, प्लांट का, पौधों का। द सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, फ्लावर में जो है बेबी प्लांट होता है या सीड में? सीड से, क्योंकि सीड से न्यू प्लांट बनते हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, रोज थ्रोनी प्लांट मीन्स कटीले पौधे होता है। लीव्स, लीव्स आपका प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, लीव्स वह प्रिपेयर फूड कर प्लांट के पौधों के लिए फूड बनाता है ना। क्लाइंबर मीन्स ग्रेपवाइन, ऊपर चढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ग्रेपवाइन, अंगूर का। बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ग्रास, हर्ब।
mercy. State whether the following statements are true T or false F. अब यहाँ पे आपको true false जो है write करना है. Number वन, some plants grow in water. कुछ plants जो है water में grow करते हैं. Yes, true. True means सत्य. Jasmine plants in an example of herb. Jasmine plant वो herb का example है. No. False. Stem is the flower, colorful part of a plant. Stem colorful part होता है plant का? नहीं, stem color कैसा होता है? Green होता है. False. Root holds the plant to the soil. जो plant होता है वो soil root, plant का जो root part होता है वो soil को, मिट्टी को बांधने का काम करता है. True. All plants have the some काइंड ऑफ लीव्स. सारे प्लांट्स की पत्तियाँ कुछ एक टाइप की होती है? नहीं. फॉल्स. डी, गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे जो राइट है उसके टू एग्जाम्पल राइट करने हैं. नंबर वन, ट्रीज. ट्रीज के एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री, पाइन ट्री. आप यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी राइट कर सकते हैं. क्रीपर्स मीन्स जमीन पर रेंगने वाला पौधा जो होता है. पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन. फ्लावर्स फूलों के नाम, रोज, लोटस, जैस्मिन एसेट्रा. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. जो अंडरलाइन आप किया हुआ है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है सही है कि नहीं, वो अगर नहीं है तो यहाँ पे कौन सा होगा उसको रिप्लेस करना है. नंबर वन, फ्लावर इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच हैज सीड्स इन इट. मीन्स पौधों का जो पार्ट होता है वो सीड्स कहाँ होती है? फ्लावर्स में? नो, फ्रूट. फ्रूट्स में होती है, जैसे पोमग्रेनेट हुआ आपका, अनार का पौ, अनार का जो फल होता है उसमें, देखिए अनार जो होता है उसमें सीड्स रहती हैं. फ्लावर्स, सॉरी. नंबर टू, फ्रूट्स हैव लीव्स इनसाइड देम. फ्रूट्स में जो है लीव्स होती हैं? नो, सीड्स मीन्स बीज होता है. नंबर थ्री, बिग प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आर कॉल्ड शर्ब्स. बिग प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, इसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मजबूत शाखाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज. सर्प की जगह ट्रीज. मनी प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रीपर. क्लाइमर मींस मनी प्लांट ऊपर चढ़ने वाला पौधा होता है तो क्लाइमर. क्रीपर मींस रेंगने वाला पौधा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. नंबर वन, व्हाट आर ट्रीज मींस पेड़ क्या होते हैं? तो बिग प्लांट्स with strong branches are called trees. Means big plants with strong branches are called trees. जिसके पास मजबूत शाखाएँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं. What are climbers? ऊपर चढ़ने वाले पौधे क्या होते हैं? Climbers. Plants that need support to grow straight are called climbers. मीन्स ऐसे प्लांट जिसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसको बढ़ने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमर्स. व्हाट डज द रूट डू फॉर द प्लांट? प्लांट जो रूट क्या पौधों में क्या करता है? द रूट होल्ड द प्लांट टू द सॉइल एंड टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल. मीन्स जो रूट्स होता है वो प्लांट्स को सॉइल से बांधे रखने का काम करता है और वाटर को उस तक पहुंचाता है. व्हाट डज अ सीड हैव इनसाइड इट? सीड से क्या होता है? ए सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड. मींस सीड से ही एक न्यू प्लांट का, न्यू प्लांट बनता है. आपका एक क्वेश्चन आंसर है, आपको कॉपी में ये राइट करना है. एफ एक्सरसाइज बी एंड ये बस थर्ड.
1, 2, 3, ये 3 आपको एक्सरसाइज करना, बाकी बुक आपको पूरी फिल करनी है। डाउट्स, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट वाटर प्लांट्स रेगुलरली, अगर हम वाटर को डेली, सॉरी प्लांट्स को डेली वाटर नहीं देंगे तो क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। सूख जाएंगे प्लांट्स जो भी होंगे। कलर द गिवन पिक्चर ऑफ रोज प्लांट, ये रोज प्लांट है, आपको इसको कलर करना है। आइडेंटिफाई द फ्रूट्स डैट आर इन द बास्केट एंड लिस्ट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, मीन्स यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है और इसके जो है लिस्ट बनानी है आपको, इस जो बास्केट में जो भी फ्रूट्स हैं उसके नेम यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। देख के इट्स योर होमवर्क। फन एक्टिविटी, कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आपको अलग अलग टाइप की पत्तियों को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करनी है। डू नॉट प्लक देम फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब आपको पेड़ से पत्तियों को तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरी होती है पिक द वंस विच हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, अरेंज देम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन साइज एंड पेस्ट देम ऑन द चार्ट पेपर, जो नीचे गिरी होती हैं प्लांट्स की लीव्स उसको आपको कलेक्ट करना है और एक चार्ट पेपर पे उसको पेस्ट करना है। आप चार्ट पेपर पे ना पेस्ट करिएगा, कॉपी के जो इस साइड का पेज है जो ब्लैंक है वहाँ पे आप लोगों को छोटी से बड़ी पत्तियों को उसको पेस्ट करना है और उसके नेम राइट करना है। प्रोजेक्ट वर्क में कलेक्ट सीड्स ऑफ एनी 5 डिफरेंट फ्रूट्स एंड पेस्ट फ्रॉम पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, राइट। आपको स्क्रैप बुक जो है आपके पास नहीं है लेकिन उस पिक्चर जो है फ्रूट्स के लेके कॉपी में ही पेस्ट करनी है। आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है तो अच्छे से आप लोग इसको लर्न करेंगे और राइट करेंगे। ओके।